बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड देयर कन्वर्जेंस। लेट एक्स कोमा डी जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है। अ सीक्वेंस इन एक्स इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू डैट स्पेस एक्स। मतलब कि सीक्वेंस जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और जो को डोमेन है वो स्पेस एक्स है। फॉर एनी एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एफ ऑफ एन जो है वो एक्स एन के बराबर होगा और इस एक्स एन को हम कहेंगे ये सीक्वेंस की एंथ टर्म है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन ओवर एन सेट आर में। अब ये वन ओवर एन जो है ये एक सीक्वेंस है, वन रखेंगे तो वन है, टू रखेंगे तो वन बाई टू है, थ्री रखेंगे तो वन बाई थ्री है एंड सो ऑन। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन एंड सो ऑन, ये हमारे पास इसका एक इमेज सेट है। हम सीक्वेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि मर्ज करना यानी इकट्ठा होना। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि इकट्ठा होना, एक क्लस्टरिंग हो रही है किसी पॉइंट के अराउंड या चीज़ें मर्ज हो रही हैं। सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेट टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स, यानी ये जो सीक्वेंस है वो एक पॉइंट की तरफ मर्ज हो रहा है या जमा हो रहा है, टू अ पॉइंट एक्स ऑफ एक्स इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो एप्सिलॉन है ये गिवन है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज़ अ नेचुरल नंबर, देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट, कि ये जो एन नॉट है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से हम एप्सिलॉन को चूज़ करेंगे उसी लिहाज से हमारे पास जो एन नॉट है वो एग्जिस्ट करेगा। सच डैट फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स एन फ्रॉम एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हमने ये कहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच डैट के उस नेचुरल नंबर के बाद एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म कंसीडर करें, उस टर्म का एक्स से डिस्टेंस निकालें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर एग्जांपल ये एन वन है, एन वन जो है वो एक बैरियर है, एन वन के बाद सॉरी एन नॉट, एन नॉट के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स के लिए जब आप सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करेंगे उन टर्म्स का एक्स से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि ये एक्स वन था, सीक्वेंस की टर्म है, ये एक्स टू था स्पेस के अंदर, स्पेस एक सेट है, सच डैट कि ये हमारा सीक्वेंस ऐसे घूमता हुआ सैरें करता हुआ, यहाँ कोई एक्स था, इसी चलते चलते एक ऐसा हमें एन नॉट मिला कि उस एन नॉट के बाद ये एक ओपन बाल है जिसका रेडियस एप्सिलॉन है। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो सैर करता हुआ यहाँ से आया और जैसे ही पहले जो सीक्वेंस है उसके अंदर आप ये कह लें कि कोई एक पैटर्न नहीं था, कोई टर्म इधर है, कोई इधर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, तो जैसे ही हम एन नॉट पर पहुँचे तो सीक्वेंस की टर्म यहाँ आ गई। एन नॉट के बाद सीक्वेंस की टर्म जो है वो इस ओपन बाल के अंदर थी सच डैट कि आप इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है और घूमते घूमते हम एक्स के पास पहुंच गए, एक्स को कन्वर्ज कर गए, एक्स के बहुत करीब चले गए। यही सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि एक्स एन का एक्स से डिस्टेंस निकालें तो वो नेगलिजिबल है। कब? जब n जो है वो n नॉट से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो इस बैरियर के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट होंगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, जो भी टर्म हम कंसीडर करेंगे सीक्वेंस की वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट होगा। एक्स एन बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल सेंटर एक्स रेडियस आर, मतलब कि इस बैरियर के बाद हम एक्स के बहुत करीब चले जाएंगे। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन इज़ इक्वल टू एक्स, यानी एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, एक्स के बहुत करीब है जब एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे।
अब ऑब्वियसली अप्रोच करने में और इज इक्वल टू में बहुत डिफरेंस है। एक्स एन अप्रोचिज टू एक्स या एक्स एन कन्वर्जिज टू एक्स। जब हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो वन है, लेकिन जब हम कहेंगे एक्स अप्रोचिज टू वन है तो इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो वन को अप्रोच कर रहा है, वन के बहुत करीब है, वन के बहुत करीब है। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट यूनिक है। अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस कन्वर्जिज टू वन एंड ओनली वन पॉइंट, दैट इज लिमिट्स इन अ मैट्रिक्स स्पेस आर यूनिक। एक सीक्वेंस जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज नहीं कर सकता। लेट ये कोई सीक्वेंस है एक्स एन, और ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लें कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है, एक्स और एक्स डैश को। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो इनमें कोई डिस्टेंस भी होगा, वो आर है, जो कि बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स डैश। अब ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट पॉइंट थे तो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो फिर ये दोनों इक्वल हुए, डिस्टिंक्ट तो ना हुए, इसलिए अगर ये डिफरेंट हैं तो फिर आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। सिंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन वन सच डैट, के इस एन वन के बाद आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है। अब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय टू चूज़ किया है, और ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन से छोटा ही है। तो अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है सो बाय डेफिनेशन एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक बैरियर एग्जिस्ट करेगा सच डैट, के इस बैरियर के बाद अब जो मर्जी टर्म लें उसका डिस्टेंस एक्स से लेस देन है एप्सिलॉन बाय टू। सिमिलरली एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स डैश को तो एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एन टू सच डैट कि आप एन टू के बाद सीक्वेंस की कोई भी टर्म उठाएं उसका एक्स डैश से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन है एप्सिलॉन बाय टू। टेक एन नॉट जो है वो बराबर है मैक्सिमम ऑफ एन वन एन टू, देन इस एन नॉट के लिए आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म उठाएं एन नॉट के बाद उसका डिस्टेंस एक्स से लेस देन एप्सिलॉन बाय टू होगा, और उसी एक्स एन का अगर एक्स डैश से डिस्टेंस लें तो वो भी एप्सिलॉन बाय टू होगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमने मैक्सिमम ही क्यों लिया। फॉर एग्जांपल लेट कर लें कि एन वन जो है वो एन टू से छोटा है, और हम मैक्सिमम लेने की बजाय मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम अब दो नेचुरल नंबर हैं, या तो वो बराबर हैं या एक दूसरे से बड़ा है। अब या तो n1 n2 से बड़ा है या n2 n1 से बड़ा है। हमने लेट कर लिया कि n1 छोटा है, ठीक है। अगर n1 छोटा है तो यहाँ कहीं n1 पड़ा होगा और यहाँ कहीं n2 पड़ा होगा। इस डेफिनेशन को देखें, इस कंडीशन को देखें, बैरियर एक्स डैश के लिए बैरियर है एन टू, मतलब कि एन टू के बाद जो टर्म्स हैं ना उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर मैं यहाँ से कोई एन उठाऊँगा तो उस एक्स एन का एक्स डैश से डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय टू होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई एन उठाऊँगा उस एन के लिए जो टर्म होगी उसका एक्स डैश से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू नहीं होगा। तो ये जो हम एक डेफिनेशन देना चाहते हैं दोनों को वो फुलफिल नहीं होगी, इसलिए हमने मिनिमम नहीं लिया। अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ, यहाँ एन टू ले लूँ और मैक्सिमम यहाँ पर एन टू, अब एन वन के बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, और ऑब्वियसली एन वन छोटा है एन टू बड़ा है तो इस एन टू के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और एन टू के जो बाद नंबर हैं उनके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और एन टू के जो बाद हैं उनके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए हमने मैक्सिमम लिया है ताकि हम एक ही नेचुरल नंबर, एक ही बैरियर रखें, और वो बैरियर है एन नॉट। पहले हमारे पास दो बैरियर थे एन वन एन टू,
हमने एक्स और एक्स डैश को एक ही बैरियर के साथ अटैच कर दिया है कि इस बैरियर के बाद आप कोई भी टर्म उठाएं, उसका चाहे एक्स से डिस्टेंस लें चाहे एक्स डैश से, वो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है। नाउ हम यूज़ करेंगे ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी को। एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो हम उसे चूज़ कर लेते हैं कि वो बराबर है आर के। अब आर बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स डैश, ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी यूज़ की, और डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन फ्रॉम एक्स डैश। अब इसकी वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, इसकी वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। यहाँ पर रिप्लेस करें तो इन जो लेस आर इक्वल है वो स्ट्रिक्टली लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि अब ये देखें, ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है आर, यहाँ से हमें मिला कि आर जो है वो लेस देन आर है, लेकिन हमें पता है कि दो जो है वो दो से छोटा नहीं है, तो आर जो है वो आर से छोटा नहीं है, अ कंट्राडिक्शन। हैंस एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट डैट कि आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, कहाँ पर, यहाँ पर। इसका मतलब है आर ज़ीरो है, अगर आर ज़ीरो है तो फिर ये दोनों बराबर हैं, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। मतलब कि सीक्वेंस जो है उसकी अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी लिमिट उसकी यूनिक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉशी सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉशी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू बी अ कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर इज अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट के एन नॉट जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, एंड फॉर ऑल एम एन, एम एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स एम फ्राम एक्स एन इज लेस एन एप्सिलॉन। कॉशी सीक्वेंस ये है कि एक बैरियर के बाद आप सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स उठाएं तो उनका जो दरमियानी फासला है वो बहुत कम होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एम फ्राम एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी एक बैरियर के बाद आप सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स उठा लें तो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होगा, नेगलिजिबल होगा, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जो कॉशी सीक्वेंस है वो कुछ टर्म्स के बाद कॉन्स्टेंट सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट एक्स एन जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, और हमें पता है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस या तो ज़ीरो है या वन, ज़ीरो होगा अगर ये दोनों बराबर हों और वन होगा अगर ये बराबर नहीं है। अब क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस है तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए एक बैरियर हमें मिल जाएगा सच डैट कि आप कोई सी भी दो टर्म्स उठाएँ उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। हमने एप्सिलॉन चूज़ कर लिया वन बाई टू, सो देर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट के एन नॉट के बाद अब कोई सी भी दो टर्म्स लें तो डिस्टेंस लेस देन वन बाई टू है। अब डिस्क्रीट मैट्रिक में डिस्टेंस या तो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अगर डिस्टेंस ज़ीरो, अगर डिस्टेंस जो है वो लेस देन वन बाई टू है तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस ज़ीरो है, अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, हमने कह दिया कि ये एक्स के बराबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बैरियर के बाद तमाम टर्म्स जो हैं वो सेम हैं, एन नॉट के बाद तमाम टर्म्स जो हैं वो सेम हैं। आकाशी सीक्वेंस बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, मतलब कि एक फिक्स नंबर के बाद एन नॉट के बाद 10 के बाद 15 50 के बाद 100 के बाद जो तमाम टर्म्स हैं वो सेम ही हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन नॉट, उसके बाद जितनी भी टर्म्स आई हैं वो सेम है। तो कॉशी सीक्वेंस जो है वो एक फिक्स नंबर के बाद कॉन्स्टेंट सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास के कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। कॉशी सीक्वेंस जो है इन अ मैट्रिक्स स्पेस वो हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है।
लेट एक्स एन जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है इन अ मैट्रिक्स स्पेस, अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो फिर ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमने सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में भी डिफाइन किया था कि उसका इमेज सेट है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी हर टर्म जो है वो किसी नेचुरल नंबर से, सॉरी किसी रियल नंबर से छोटी होगी अगर सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर हम सेट की फॉर्म में देखें तो सेट बाउंडेड तब होता है अगर उसका डायमीटर फाइनाइट हो, और सेट का जो डायमीटर है वो बराबर होता है सुप्रीमम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमें ये पता है कि एक बैरियर के बाद अगर ये सेट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन नॉट, हमें ये पता है कि एक्स एन नॉट के बाद जितनी भी टर्म्स हैं आप कोई सी भी दो टर्म्स लें उनका डिस्टेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। वो यहाँ से हमें कॉशी सीक्वेंस से मिला। एन नॉट से जो पहले टर्म्स हैं उनका हमें नहीं पता कि उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है या एप्सिलॉन से बड़ा है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सेट कंसिडर कर लिया कि एन नॉट से पहले जितनी भी टर्म्स थी उनका डिस्टेंस निकाला, एक सेट की फॉर्म में लिखा और साथ एप्सिलॉन को कंसीडर किया। और हमने कहा कि जो इनमें सबसे मैक्सिमम है वो के बराबर है, जो इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर है वो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन जो है वो लेस आर इक्वल टू के है और एप्सिलॉन बड़ा था इस नंबर से, और इसका मतलब ये भी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स जे ये लेस आर इक्वल है के से, वेयर आई एंड जे आर लेस आर इक्वल टू एन नॉट। अब हमें यह पता चल गया कि हर नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स लें तो उसका डिस्टेंस के से छोटा है। यहाँ देखें कि एन नॉट के बाद जो टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस के से छोटा है, एन नॉट से पहले जो टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस के से छोटा है, क्योंकि के जो है वो इस सेट का एक मैक्सिमम नंबर है। के जो है वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, एप्सिलॉन से बड़ा नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इस सेट में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसे हमने के कहा है। और एप्सिलॉन को कंसीडर ही इसलिए किया था क्योंकि हमें एन नॉट के बाद जो टर्म्स हैं उनके डिस्टेंस के बारे में पता है कि वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एम फ्रॉम एक्स एन ये लेस आर इक्वल है के। अगर मैं दोनों तरफ सुप्रीमम लूँ तो ये सुप्रीमम भी के से छोटा होगा, और सुप्रीमम असल में ए का डायामीटर है, और ए का डायामीटर के से छोटा है। इसका मतलब यह है कि ए का डायामीटर फाइनाइट है, और सेट बाउंडेड तब होता है अगर उसका डायमीटर फाइनाइट हो। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बाउंडेड है, और ए क्या था, ए इमेज सेट था सीक्वेंस का, तो इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस जो है वो भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है।